सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडिंग टूल्स के बारे में, जो कि हमें मार्केट में डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं, तो इन्हें यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो अगर आप हमारे छोटे से आर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और कमेंट बॉक्स हमेशा कमेंट के लिए होता है तो कमेंट करके ज़रूर जाना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में बात करते हैं। ये है पेपर स्टम्प, जो कि ब्लेंडिंग में यूज़ होता है, और ये है मेकअप ब्रश। ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। एंड ये है पेपर स्टम्प, इसको ब्लेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं आर्टिस्ट। ओके, तो लास्ट टूल है हमारा कॉटन, जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और जो ब्रशेज़ मैंने अभी परचेज़ किए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ब्रशेज हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इस ब्रश को मैंने थोड़ा सा आगे कट कर लिया था। अगर हमें ब्लेंडिंग में डार्कनेस बढ़ानी हो तो हमें इस तरह से आगे कट कर सकते हैं, इससे इससे अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है, और ये आगे से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है। तो शेडिंग के लिए यहाँ पे मैं आर्ट लाइन की एचबी पेंसिल का यूज़ करूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, तो इससे हम शेडिंग करेंगे। तो पहले मैं इसको शार्प कर लेता हूँ। शार्प करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम शेडिंग कर रहे हैं, और पेपर में यूज़ करूँगा आईवेरी का 200 GSM, जो कि काफ़ी स्मूथ होता है। तो यहाँ पर मैं आर्ट लाइन की एचबी पेंसिल से बिल्कुल लाइट शेड कर रहा हूँ, जो कि आपको दिख रहा है। बिल्कुल हल्के हल्के आपको शेड करना है, और ब्लेंडिंग के लिए हमारे पास चार टूल हैं, तो हम चार टूल की तरह हमें शेडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ भी शेड कर लेता हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के शेड करना है आपको, बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे मैं अपनी पेंसिल को ज़्यादा मूव कर रहा हूँ, न कि प्रेशर पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। तो पेंसिल का मूव करो बस, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई मत करो। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग टूल्स के लिए यहाँ पर शेडिंग कर लेता हूँ। तो ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा टिश्यू पेपर, जो कि काफ़ी स्मूथ होता है। इससे ब्लेंडिंग करने के बाद काफ़ी स्मूथ टेक्सचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड करके देख रहा हूँ किस तरह का ब्लेंड हो पाता है। यहाँ पे देख सकते हो मैं बिल्कुल कम प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, तो ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। तो अब मैं ब्रश का यूज़ करके देखूँगा कि किस तरह की ब्लेंडिंग हो पाती है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि ये जब हम शेडिंग करते हैं तो हमें काफ़ी लेयर स्कोप करना पड़ता है, तो एक पॉइंट पे हमें उसको डार्क नहीं करना है। तो यहाँ पे काफ़ी देख सकते हो काफ़ी लाइट शेडिंग हो गई है। तो यहाँ पे मैं एक लेयर और दे देता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड लेयर के लिए यहाँ पर मैं आर्ट लाइन की 2B का यूज़ कर रहा हूँ। फिर से हम इसको ब्लेंड करके देखते हैं। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है ब्लेंडिंग में। तो अब मैं यूज़ करूँगा पेपर स्टम्प, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और बड़े बड़े आर्टिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखो कि जितना आपने पेपर स्टम्प को यूज़ कर रहे हो, तो जितना आपने शेड किया है उतना ही आप ब्लेंड करो। अगर आप ज़बरदस्ती ब्लेंड करोगे तो वो काफ़ी भद्दा सा लगेगा। शेडिंग के लेयर आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ब्लेंडिंग की जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो उसी प्रकार आप उसको ब्लेंड करो। तो अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कॉटन का। स्टार्टिंग में जब मैंने आर्ट वर्क स्टार्ट किया था तो मैं इसका यूज़ करता था, तो बीच में मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था। तो अब इसको देखते हैं कि किस तरह की शेडिंग हो पाती है। तो रिजल्ट देख सकते हो काफ़ी अच्छा आया है। तो अगर आप इन मटेरियल्स को यूज़ करना चाहते हो, अगर आप इन्हें बाय कर रहे हो, तो काफ़ी सोच समझ के इन बाय करना है इसको, क्योंकि अगर आपको ब्लेंडिंग की सही टेक्निक नहीं पता है तो इनको लेना बेकार है। स्टार्टिंग में जब आप ब्लेंडिंग या शेडिंग को सीख रहे हो तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो या फिर कॉटन का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।